नव ग्रहों में पांचवें ग्रह हैं बृहस्पति देवता। देव गुरु बृहस्पति पीत वर्ण के हैं। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में सुंदर माला है। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके चार हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पत्र एवं वर मुद्रा सुशोभित है। महाभारत के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित हैं। ये अपने प्रकृष्ट ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते हैं। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखा मारना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति रक्षोग्न मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं की रक्षा करते हैं तथा दैत्यों को दूर भगा देते हैं। इन्हें देवताओं का आचार्यत्व और गृहत्व कैसे प्राप्त हुआ, इसका विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में दिया गया है। बृहस्पति ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देव गुरु का पद तथा गृहत्व प्राप्त करने का वरदान दिया। बृहस्पति देव एक एक राशि पर एक एक वर्ष रहते हैं। वक्र गति होने पर इनमें अंतर आ जाता है। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति अत्यंत सुंदर हैं। इनका आवास स्वर्ण निर्मित है। ये विश्व के लिए वर्णीय हैं। ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति तथा बुद्धि से संपन्न कर देते हैं। उन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं और विपत्ति में भी उनकी रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सलता का गुण इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति का वर्ण पीत है। इनका वाहन रथ है जो सोने का बना हुआ है और अत्यंत सुखकर और सूर्य के समान भास्वर है। इसमें वायु के समान वेग वाले पीले रंग के 8 घोड़े जुते रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इनका आयुध सुवर्ण निर्मित दंड है। देवगुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शुभा और दूसरी का तारा है। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, भानुमति, राका, आर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनिवाली और हविष्मति। तारा से 7 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उनकी तीसरी पत्नी ममता से भरद्वाज और कच नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के आदि देवता इंद्र और प्रत्यादि देवता ब्रह्मा हैं। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को तथा बृहस्पति को व्रत करना चाहिए और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घृत, पीला अन्न, पुखराज, अश्व, पुस्तक, मधु, लवण, शर्करा, भूमि तथा छत्र देना चाहिए। इनकी शांति के लिए वैदिक मंत्र है, ओम बृहस्पते अति यदर्यो अहार्द धूमाद्विताति कत्रुमजनेषु यदिदे अच्छसहरित प्रजातः तद्समासु दर्विणम् देधि चित्रम्। तथा पौराणिक मंत्र है, देवानां च ऋषीणां च गुरुं काचश्वनिभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रूम क्रोम स्वह गुरवे नमः। तथा सामान्य मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का श्रद्धानुसार नित्य निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप का समय संध्या काल तथा जप की संख्या 11,000 है।